आपकी बार 1 लाख पर कांग्रेस पार्टी जिंदा। विधानसभा क्षेत्र में कुछ विकास हुआ कि नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। हा? कुछ नहीं हुआ। ये तो कह रहे हैं कि इतना कुछ हो गया है। बोलने से थोड़ी होता है। कौन सुनवा दो उसको? अरे गाड़ी में चला उतरता है उसको नहीं रुकता है, साइकिल पकड़ के साला छोड़ देता है, झप्पड़ मारता है, क्या है झाड़ू करता है वो नेता तो चाचा के अंदर। अरे ये सब ना पैसा इधर उधर लगता है, जब इलेक्शन आता है उठा लो, ये ले लो, वो कर लो, वो हो गया। मैं लुकमान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दबी आवाज में। इस वक्त मैं पृथ्वी नगर पंचायत सीतोष नगर में उपस्थित हूं और यहां पे जो मोड़ है इस मोड़ को हन्नान मोड़ कहा जाता है ना? तो इस हन्नान मोड़ पे आज हम देखने आए हैं कि यहां पे बहुत सारे युवा जो है आवाज है कर रहे हैं, इधर से जा रहे हैं आ रहे हैं, तो इनसे हम पूछेंगे यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, इसे यहाँ की चीज थोड़ा जान लेते हैं कि यहाँ पे लोग चुनाव के समय में क्या सोच रहे हैं और किन मुद्दों को लेके लोग वोट करेंगे। आपका नाम क्या है? जहमद हुसैन। जहमद हुसैन मेरा नाम है। जहमद हुसैन बताइए कि आप लोग इस बार के चुनाव में किन मुद्दों को लेके वोट करेंगे? हम लोग क्या मुद्दा है सामने? सामने आपका बिजली बिल माफ हुआ है, महागठबंधन सरकार ने बिजली बिल माफ किया है, मैया योजना दिया है, कृषि लोन माफ किया है और पुल पुलिया बना है, सड़क बनाया है। हमारे मंत्रियों ने श्री आलमगीर आलम साहब ने जो स्कूल 10 क्लास तक था वो प्लस 2 में बदला है, इसलिए हम लोग निशात आलम को वोट करेंगे और भारी मतों से विजय बनाएंगे। आपकी बार 1 लाख पर कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, निशात आलम जिंदाबाद। आपके अंदर जोश बहुत जो है भरा हुआ है, मैं देख रहा हूँ। बहुत सारे आपसे हर एक से पूछेंगे कि यहाँ पे क्या राजनीति चल रही है, विकास के मुद्दे पे, पार्टी के नाम पर या फिर कैंडिडेट के नाम पर। बहुत सारे यहाँ पे युवा है। आपका नाम क्या है? इफ्तिखार सही जी, बताओ, थोड़ा इधर भी ध्यान दीजिए, जनता आपको सुनना चाहती है। बोलिए, बताइए आपके विधानसभा क्षेत्र में कुछ विकास हुआ कि नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। ये तो कह रहे हैं इतना कुछ हो गया है। बोलने से थोड़ी होता है। कुछ नहीं हुआ। बिजली बिल माफ, कृषि लोन माफ, हर चीज माफ। बिजली बिल कौन माफ किया? मुख्यमंत्री ने किया। किसने किया? जेएम का मुख्यमंत्री ने किया, कांग्रेस तो नहीं किया, आलमगीर आलम तो नहीं किया, कुछ नहीं किया। वो क्या किया बताइए? हम लोग अभी जो सड़क में खड़े हैं, एक सड़क 2 फीट गड्ढा था। ये एक एक मुद्दे पे बोलिए, एक एक मुद्दे पे। आपने कहा से एक बार मेरी बात सुनिए, पहले झगड़ा मत कीजिएगा, शांति से बात कीजिए। यहाँ पे जो है विकास के मुद्दे पे बात कीजिए। बोला हेमंत सरकार किया, वो सरकार किसकी है? गठबंधन किसकी है? कांग्रेस के साथ ही ना है, 17 साल राज किया है यहाँ पे गठबंधन है, बीजेपी सरकार। टाइम मिलेगा, टाइम मिलेगा तुमको भाई, छुपो। अभी 17 साल राज किया है, क्या किया? जितना 5 साल में किया उतना, उतने से आधा भी 17 साल में बीजेपी सरकार ने नहीं किया है। 5 साल में ये जब कह रहे हैं कि बिजली बिल जो है जब माफ किया, तब तो आलमगीर आलम जेल में थे। हम लोगों का सरकार ही ने किया है ना, बीजेपी सरकार ने किया। अगर इसमें यूनिवर्सिटी बनाना है और भी कुछ बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, उसके पास केंद्र सरकार है, वो क्यों नहीं करता है? उसके पास तो पूरा पावर है, पूरा यूनिटी है, वो कर सकता है ना। बीजेपी का नाम यहाँ पे क्यों ले रहे हैं? बीजेपी के सरकार बीजेपी के साथ है ना, जो बोल रहा है ना बीजेपी। पाकुड़ विधानसभा की बात कीजिए, पाकुड़ विधानसभा में क्या विकास हुआ? पाकुड़ में क्या नहीं हुआ बोले? ऐसे कुछ जगह नहीं है। मेडिकल कॉलेज वो होगा नेक्स्ट टाइम, 5 साल तो अभी हुआ राज किया, नेक्स्ट टाइम 1 दिन में हो जाएगा। 40 साल तक क्या किया? मेडिकल कॉलेज कहाँ किया 40 साल? 40 साल सिर्फ 5 साल राज किया, 5 साल, 17 साल तक बीजेपी किया राज। एमएलए रहता है, एमएलए में कुछ नहीं रहता है। जब पावर, जब मंत्री रहेगा तब ना बनेगा। मंत्री थे तो 5 साल किया, बहुत किया, ये रास्ता जानता है कितना था। उससे पहले क्या था? भाजपा का सरकार था तो आलिया मदरसा का टीचर लोगों का वेतन मंथली बंद कर दिया था। हमारे मंत्री आलमगीर आलम जी आए और सबको एक साथ 10 लाख, किसी को 5 लाख सैलरी दिया है।
और आलिया मदरसा का वेतन चालू किया है। आप जहाँ पे खड़ा है ना, ये दो दो आदमी कितना फुट का, 10 फुट गड्ढा था, ये काम आलमगीर आलम ने भरा हुआ है पूरा जगह, यहाँ से चांदपुर से लेके जो सीतस नगर पूरा गांव वही भरा है। चलिए रोड के मामले में उन्होंने विकास किया है। रही बात स्वास्थ्य की, तो मेडिकल कॉलेज एक तो कम से कम बनाना चाहिए था। होगा, एक दिन में तो कुछ नहीं होता, 5 साल के फिनिश टाइम आएगा, 25 साल नहीं सिर्फ 5 साल और 14 महीना राज किया हमारे सरकार, बाकी तो 17 साल भाजपा सरकार के साथ था। भाजपा सरकार एक एमएलए नहीं कर सकता है, मान ले एमएलए 20 साल रहा है आलमगीर आलम, एक आलमगीर का पार कब रहता है, जब उसका सरकार रहता है, जब मंत्री रहता है उसका, तब वो सिर्फ 5 साल मंत्री रहे है। अभी जो अभी 5 साल में भी एनडीए सरकार जो केंद्र में है सही से काम करने नहीं दिया उसको, 5 साल काफी नहीं है, उसमें तो 2 साल कोरोना में गया और हमेशा ईडी सीआईडी सब पीछे लगा रहता है, वो काम करने देता है हम लोगों को एनडीए सरकार। महागठबंधन सरकार तो 5 साल का रहा लेकिन 5 साल काम नहीं कर पाया है, कोरोना काल में 3 साल बीत गया है, 2 साल में जितना काज किया है विकास हुआ है, 17 साल में बीजेपी उनका आधा भी काम नहीं किया है हमारा झारखंड में और पाकुड़ विधानसभा में। अच्छा, आज जितना भी विकास हुआ है वो हमारे मंत्री जी आलमगीर आलम जी के प्रयास से हुआ है और पाकुड़ विधानसभा की जनता उसे विकास पुरुष कहलाता है। हमें सारी शायरी बोलना चाहता हूँ, निषाद आलम नहीं है, ये आज ही है पाकुड़ विधानसभा की सोनिया गांधी है, पाकुड़ विधानसभा की सोनिया गांधी है। पाकुड़ विधानसभा की जो सोनिया गांधी है उनके बारे में लोग बोल रहे हैं कि वो तो जाके विधानसभा में बोल ही नहीं सकती। क्यों नहीं बोल सकती है, महिला है, बोल सकती है, प्रेस करेगा होगा, एक दिन में बोलना सीख ले रहा कि ये पंचायत का बच्चा जब निकलता है तब बोलना सीख जाता है, अभी तो राजनीति में थोड़ा थोड़ा पैर रखा है, आगे होने दीजिए। कल्पना सोरेन पहले दिन जब आया था माइक के सामने रो रहा था, फूट फूट कर रो रहा था, अभी आप उसको देखिए वो लड़कों को फाड़ के फेंक देगा। अच्छा, हम तो फिर वो भी हो जाएगा, टाइम लगेगा बस, तो टाइम ही तो नहीं है, 5 साल में अगर टाइम दे देंगे, दस दिन में सीख जाएगा। हम लोगों का झारखंड में महागठबंधन सरकार हेमंत द्वारा और विधानसभा पाकुड़ विधानसभा में निषाद आलम, निषाद आलम क्या सोच रहे आप लोग? हम लोग तो सोच रहे हैं जो कांग्रेस ही यहाँ जीतेगा, कोई माइकल लाल नहीं है जो कांग्रेस को हरा देगा पाकुड़ बिल्ड में। ये तो समय बताए, मैंने ऐसे जो जगह में आप लोग खड़ा है, 10 साल पहले एक गड्ढा था, नाव चल रहा था, अभी आदमी कैसा सुख में है जो पक्का रास्ता में चल रहा है, रास्ता पक्का बन गया, पक्का बन गया। तो अपना नाम की? हमारा नाम अर्जुन दास। अर्जुन दास की बोल अपना विकास हो हमार की जो है नहीं तो हम कमन करे बोलबो लोकर होय छे कि होय नहीं हमार किछु ही नहीं लाल कार्ड नहीं किछु ही नहीं तो हम कमन करे बोलबो कि कार होय छे कि ना होय छे हमारी तो होय नहीं आ एक बार जीते देन सब हो जाबे हम जीताबो कि के जीताबो तो किससे जो नहीं जाने हम सुए ठके जाई वोट देते जाई ना। तो चलिए यहाँ पे हर एक युवा को बोलने का मौका मिलना चाहिए, बहुत सारे यहाँ पे आसपास युवा हैं, इनसे भी थोड़ा सा पूछ लेते हैं। हाँ, थोड़ा आपका नाम क्या है, भागिए मत बोलिए आपका नाम, बताने यहाँ से युवा क्यों भाग जाते हैं। हाँ, यहाँ पे युवा जो है बहुत सारे युवा हैं लेकिन बोलने से कतराते हैं, आपका नाम क्या है? हाफिज़ुल आलम। हाफिज़ुल आलम जी बताइए आपके क्षेत्र में विकास कुछ हुआ कि नहीं हुआ? विकास तो बहुत कुछ दिख रहा है, बहुत कुछ दिख रहा है, जैसे जैसे क्या है? जैसे देखे इस जगह पर जिस धरती पर इस पर सीतस नगर गांव पर खड़ा है, यहाँ पर लगता है कि 10 फीट घर था, फिर भी इस मिट्टी में तक कचरा इतना था कि इस हनन मोड़ में आने जाने में इतना असुविधा होता कि नाव चलता एक समय, लेकिन आज देखिए आप ढालाई के ऊपर खड़ा है, पक्का रास्ता है, पक्का रास्ता रास्ते में तो उसमें बहुत लोग रास्ते में काम हुआ है, लेकिन शिक्षा विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में, पानी में, पानी, शिक्षा, बिजली सब कुछ ठीक ठाक है, क्योंकि ये गांव में देखिए पहले ये ट्रांसफॉर्म था भैया, यहाँ पे जब बंगाल से जब कोई आते हैं यहाँ पे शादी करते हैं तो बिजली की वजह से यहाँ से रात में भाग जाता है, बंगाल चले जाते हैं। अगर बंगाल के लोग को देखो बिजली भाग जाता है तो उसको डर लगता है बिजली को, तो हम क्या करें? नहीं, यहाँ के बंगाल से जो लोग आते हैं यहाँ पे बिजली के बारे में बहुत ही बदनाम करते हैं, बिजली की वजह से बदनाम तो हर कोई आदमी का, हर कोई आदमी बदनाम करता रहता है, आप यहाँ पर यहाँ से चला जाइए आपका भी बदनाम होगा, किसी के लिए किसी ठीक नहीं होता, बदनाम तो होबे करेगा। ठीक 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 ठीक। तो यहाँ पे और कुछ कोई कुछ बोलना चाहेंगे? आपका नाम क्या है? टिंकू शेख है। बताइए कुछ विकास हुआ यहाँ पे?
यहाँ पे जो बोल रहा है बिजली हो रहा है ना, बिजली नहीं चल रहा है। यहाँ पे पानी का भी व्यवस्था नहीं हो रहा है, कुछ भी व्यवस्था नहीं हो रहा है। आलमगीर साहब है ना, चमचा है, चोर है, वही है। यहाँ पे कुछ भी व्यवस्था नहीं हुआ है। इतने बड़े मंत्री को चमचा चोर बोलेंगे जी? हाँ बोलेंगे तो, चोर है ना इसलिए चोर बोला इसको। चोर है ना, चोर है ना, चोर है, चोर है। चलिए इस बार जो है उनकी धर्म पत्नी निशात आलम जी है, कम से कम एक बार उनको मौका दीजिए। जब तक आरोपी साबित नहीं होता है, चोर बोलने से चोर नहीं होता है, आरोपी बोलने से आरोपित नहीं होता है। चलिए चलिए, जब तक साबित होगा उसके पास चोर बोलेगा तो जो चोर बोला है उसको पूछिए किसको चाहते है, कौन धुआ हुआ तुलसी का पाता है एकदम फ्रेश है, उसको पूछ लीजिए पहले। हाँ, जब कांग्रेस पार्टी का सैंपल देखा है पूछिए पहले इसको, लड़का लोग को पूछिए, खाली तो वोट बजा रहा है। हाँ पहले से सैंपल एक एक बात यहाँ पे जो चरखा था, कोई जानकारी है किसी को? हमारा पैसा 6-7 साल हो गया सब जानता है हम। उसके बाद ज्यादा बल था, गाय बाजूर था, अभी हाथ हो गया, पूछिए है कि नहीं। आगे पहले जवाब दीजिए, आपकी उम्र कितनी है? 65 पार हो गया। 65 पार तो आपने राजनीति जो है बहुत देखी है? हाँ बहुत देखा है। क्या बदलाव देखिए, बहुत काम किया है आलमगीर साहब, लेकिन कुछ नहीं किया। इतना बड़ा उसको मौका मिला है, इतना बड़ा मौका मिला है वो, और ठाकुर जिला में कुछ नहीं किया है। ठाकुर जिला में सदर अस्पताल बनवा दिए? नहीं, वो तो कुत्ता भी तो इलाज नहीं होता है, कुत्ता का भी इलाज नहीं होता है सदर अस्पताल में कुत्ते। अरे कोई चमचा उमचा के चिबल देता है तो उधर डर देता है बीच में। अरे नजदीक में लगाना चाहिए उसको। अरे बहु बेटी साहब एक चौकी बक्सो लेके जाता है, पुलिस बोलता है पैसा दो, का पैसा लगा उसका नेता मौजूद है, पैसा मत लो। कष्ट करके साला बीबी लड़का को मार के दीदी उड़ी बनता है, एक बक्सो लेगा तो पुलिस का पैसा देगा कौन से उसको? अरे गाड़ी में कला उतारता है उसको नहीं रुकता है, साइकिल पकड़ के साला तोड़ देता है, झापड़ मारता है, क्या है झाड़ू करता है वो नेता। तो चचा के अंदर अरे ये सब ना पैसा इधर उधर लगता है, आज जब इलेक्शन आता है वो खा लो, ये ले लो, वो कर लो, हो गया। यहाँ आप हमारा सामने बोलो अलग साहब को, अरे ये रोज आया, ये रोज आया हमारा हुआ, हमारा घर पानी लेके गया, अच्छा किया। हाँ क्या बिस्कुट दी और भी कुछ दो विधायक साहब को, लेकिन आप जो कर्तव्य कार्यकर्ता रहता है आपका तो क्यों बोल देता है, अच्छा करता है तो उसको कहे कहे उधर घर नहीं देता है, घर वाला को उधर कहे घर नहीं देता है, यही करेगा तब ना सब खाएगा, ऐसा काम करता है। और जब आया देखिए इतना आदमी बोलने का मौका मिलता है तो अच्छा रहे नहीं, अरे आलमगीर साहब आ जाए, हटो हटो हटो, कोई बोलने वाला है तो इधर आओ, तब ना जब आप लोग आया इसको देता है इसको देता है तो कितना मजा आता है। हाँ तो चाचा जी की एक बात बढ़िया लगी मुझे कि जब आप आए हैं तो सबको बोलने का मौका दे रहे हैं कि दिल में जो भी भरा तो चाचा बोलने वाला है तो इधर आइए बोलिए, नहीं अरे सबसे मजा का है, चलो होगी गाय, हाँ चलो फनाना हो गया, हाँ क्या वाला है तो बोलिए, चलो हो गया। अरे तुम्हारा बाप भी नहीं बोलना सर यहाँ पे बहुत सारे जो है लोग हैं, अलग अलग पार्टी के लोग हैं, जिसको भी जो बोलना था वो सबने अपने दिल से बोला है। हाँ तो ये बात जो है आपने अभी तक सुना, यहाँ पे बहुत भीड़ है, एक बार सबका चेहरा आना चाहिए, सबका चेहरा दिखाइए। हाँ जितने भी यहाँ पे युवा है सारे लोग यहाँ पे हर पार्टी के मानने वाले हैं, चाहे कांग्रेस के ले लीजिए, चाहे सीपीएम का ले लीजिए, चाहे समाजवादी पार्टी का ले लीजिए, चाहे आजसू का ले लीजिए, हर एक पार्टी के समर्थक इस मंच पे हैं और हर एक पार्टी के समर्थक
तक इस हन्नान मोड़ में है। इसी वजह से हर एक को मौका दिया गया बोलने का और हर कोई जो है चाय दुकान के सामने यहाँ पे बहुत भीड़ के सामने बहुत जितनू जिसको जो कुछ भी बोलना था इन्होंने अपने दिल से सब कुछ खोल कर रख दिया है। तो लास्ट में जो है लास्ट में दादाजी ये जो है भैया जी कुछ कहना चाहते हैं, इनसे बात करके हम खत्म कर देंगे। पहली मरतबा आपको हम बोले कि राहुल गांधी का हम विरोध नहीं करते, हम नेता का विरोध करते हैं। यहाँ जो मैया योजना का जो लागू है ये झारखंड सरकार है हेमंत सरकार द्वारा किया गया है। हम पूछ रहे हैं यहाँ पर हमारा कांग्रेस ही जो है आलमगीर आलम वो क्या किया है, वो किसका अगर वो एक भी विकास दिखा दे यहाँ पर आप देख लीजिए पत्थर आ रहा है, पत्थर जो माइनिंग का दाम 1100 रुपया है लेकिन 5-5 हजार रुपया माइनिंग ले रहा है। इसका वो माइनिंग का पैसा जो ले रहा है 5-5 हजार रुपए का वो पैसा जनता के ऊपर पड़ रहा है। अचीव लीजिएगा 100 तो आप उसका 5000 का दाम है तो 10000 लग रहा है तो पैसा किसका जा रहा है, गरीब जनता का ना जा रहा है जी। हम लोग घर बनाएंगे उसी आपका बाली आ रहा है मान लीजिए तो बाली का जो रेट है उसका माइनिंग ज्यादा रेट ले लेता है, मतलब वहां से घुसखोरी जो है जा रहा है बाईपास चलान है। यहाँ आप मान लीजिए कोयला है, यहाँ पर कोयला बंगाल जा रहा है तो बंगाल का अगर झारखंड का कोयला पाकुड़ में अगर लोड होकर जाता तो यहाँ का लोगों का बेनिफिट होता ना, 200 रुपया का कोयला बेचता है वहाँ जाके और वहाँ जाके चांदपुर में जाके 600 रुपया करके कोयला बेचता है और वो बाईपास होकर फरक्का हो जाकर वो आलमगीर आलम के घर तक कमीशन पहुंच जाता है तो ये सब कौन देखेगा। तो यहाँ पर लूट बटेरा आलमगीर का हो रहा है, हम लोग आलमगीर का विरोध कर रहे हैं, हम लोग दूसरे लोगों का नहीं। मैं योजना के बारे में गुजरात गोगो दीदी के बारे में बोले ना कि यहाँ झारखंड में लगा मैं योजना कहाँ है, मैं योजना कहाँ है ये सिर्फ झारखंड में है, अभी दूसरे राज्य में है मैं योजना तो फिर ये भी तो वही कर रहा है ना। ये लोग भी मान लीजिए तुष्टिकरण का राजनीति लोग भी कर रहा है, ये लोग मुद्दों में नहीं आ सकते, ठोस मुद्दे इनके पास नहीं है, ये लोग खाली हेमंत सरकार और राहुल गांधी के दिखा के और हाथ साफ दिखा के वोट मांगते हैं। ये लोग विकास से अगर एक भी वोट मांग के दिखा दे तो उसके साथ हम खड़ा रहेंगे एक भी वोट। चलिए चलिए तो हर एक को तो मौका मिला यहाँ पे जितने को भी हर एक ने बिल्कुल दिल खोल कर बोला और अपने हर आवाज को यहाँ पे बुलंद किया इन्होंने। और इनका कहना है कि जो है हम कांग्रेसियों का विरोध नहीं करते हैं, हम जो है आलमगीर आलम का विरोध करते हैं, यानी हमको कैंडिडेट से विरोध है पार्टी से कोई विरोध नहीं है। चलिए तो अभी तक आप जो है हन्नान मोड़ में देख रहे थे जो कि पाकुड़ विधानसभा का क्षेत्र है, यहाँ पे हर एक युवा ने अपनी अपनी आवाज उठाई, चचा ने भी बहुत बढ़िया तरीके से अपनी आवाज उठाई अपनी बात रखी। अगर आप इन आवाजों से इन बातों से संतुष्ट हैं, अगर आपको लगता है कि इन्होंने बिल्कुल सच कहा है तो आप इनके साथ दीजिए और अगर आपको लगता है कि इन्होंने गलत किया तो आप प्रूफ कीजिए। धन्यवाद। अभी तक आप देख रहे थे दबी आवाज टीवी न्यूज।